इब्राहिम यंग हलीम को घोटा लगा रहे हैं, जबरदस्त घोटा लगा। चलो भाई यहाँ पर बब्बू रहान आ गए। आज तो भाई सब फिर से आप सबको खुश आमदी। तो जी यहाँ पर आज हम लोग आ गए हैं फिर दोबारा से आप लोग के साथ, और मैंने सोचा कि चले मैं यहाँ पर जो है अपना हलीम यहाँ रेडी कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, तो मैं चले मैं आपको भी शेयर कर दूँ। देखें यहाँ पर इब्राहिम साहब यहाँ घोटा लगा रहे हैं, और ये मैंने इब्राहिम को ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे यूँ नहीं, हाँ यूँ ऐसे। तो यहाँ पर इब्राहिम से मैंने बोला कि आप लगाओ घोटे थोड़े से, ताकि हलीम जो है हमारा अच्छा सा स्मूथ हो जाए। और यहाँ पर बन रही है हमारी प्याज ब्राउन हो रही है बघार के लिए। तो जी यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कलर आ गया है। अभी इसमें मसाला मैं ऐड करूँगी और मज़ीद, अभी तो खाली गोश्त और जो चिकन था, गोश्त भी है इसके अंदर, चिकन भी है, बीफ भी है, कीमा भी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करा है। प्याज मैंने ब्राउन हो रही है हल्की आँच पे बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खाली डब्बे खाली बॉक्सेस यहाँ पर रखे हुए हैं। ये तो मैंने दो धो कर रख दिए थे, वॉश कर दिए थे, बाकी ये अभी रह गए हैं वॉश करने के लिए। और ये मसाला मुझे अभी डालना है हलीम के अंदर। तो ये सारे जितने भी रखे हुए हैं बॉक्सेस, ये मैंने इसमें खाना भर के रखा हुआ था, बहुत दिनों से मैं जमा कर रही थी, जो लेफ्ट ओवर खाने होते हैं जो बच जाते हैं हमारे घरों के अंदर। तो आज मैंने उससे बनाया है हलीम, और मैंने मंगवाया यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक मैंने डब्बा मंगवाया है हलीम मिक्स का, इजी क्विक हलीम है यहाँ पर। ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है हलीम, इसे कोई पंचायत नहीं होती इसमें, और बस ये एक पैकेट इसमें से निकलता है। और ये जो है मैं डाल चुकी हूँ, पका चुकी हूँ यहाँ पर, और इस एक पैकेट से हम लोग आज बना रहे हैं अपना हलीम लेफ्ट ओवर खानों से। तो ये गोश्त के मैंने रेशे खारे करके डाल दिए थे, बाकी मसाला जो है मैं डालती हूँ भी हलीम के अंदर। अब इब्राहिम जो है वो कैमरा पकड़ेंगे मेरा, तो फिर मैं डालूँगी। और ये देखें लेफ्ट ओवर खानों से आज हमने बनाया अपना हलीम यहाँ पर। तो आपको पता है कि हम लोग जो है अपनी चीज़ों को जो है वेस्ट नहीं करते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखें रिस्क जो है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और इसी के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं इसी खाने के लिए। तो हम जो है ज़ाया ना करें अपने रिस्क को, हमेशा मैं उठा के रख लेती हूँ फ्रीज़र में। और आज खुशी की बात यह है कि मेरा फ्रीज़र खाली हो गया है, जो कि इतने टाइम से फुल हो रहा था, डब्बे डब्बे रखे हुए थे यहाँ पर। आज मैंने सारे डब्बे निकाल के और यहाँ पर जो है मैं खाली कर चुकी हूँ, और फ्रिज हो गया मेरा खाली। तो बस आज खुशी भी हो रही है मुझे कि चलो जगह हो गई फ्रिज में, और यहाँ पर बस ये मेरे प्याज होने वाली है। तो जी कैसा लगा आज आपको हमारा ये हलीम, कमेंट में ज़रूर बताना है आपने। कैसे धुएँ निकल रहे हैं भाई, अभी तो भगाड़ जो है ना वो लगेगा इसके अंदर। और इब्राहिम डाल रही हूँ इसके अंदर मसाले, ये सारे मसाले वो हैं जिसको मैंने लेफ्ट ओवर खाने जो बचे हुए थे। आप यकीन करें रबी लवल पे हमारे घर कितने खाने आते हैं ना ना इब्राहिम, जब से खाने जमा हो रहे थे इतने सारे खाने जमा हो रहे थे, कोई गोश्त का खाना, कोई चिकन का मसालन, कोई कुछ, कोई कोरमा, कोई कढ़ाई, वो सब मैं जो है जमा करती जा रही थी। डाल दिए मैंने इसके अंदर मसाले, ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा कलर आ गया, गाढ़ा भी कितना हो गया है ना, कितना थिक हो गया है ना, अभी कितना पतला हो रहा था। और मैंने जब ये डब्बा खोला है ना, ये वाला बॉक्स खोला है हलीम का, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसके अंदर, क्योंकि मसाले मेरे बहुत ज़्यादा हुए हुए थे वैसे ही, तो मैंने कुछ भी नहीं, खाली बस मैंने पानी नहीं, कुछ भी नहीं मैंने ऐड करा। अब मैं थोड़ा तकूँगी इसको कि नमक इसमें सही है या नहीं, वैसे मसाले तो घर बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस हैं। और देखें कितना ज़बरदस्त है हमारा ये हलीम तैयार हो गया है, हमारे लेफ्ट ओवर खानों से हमारा ये हलीम आज बना है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोगों ने जो है ना वो कमेंट, यहाँ पर हो गई हमारे प्याज ब्राउन सही है, और जल्दी से मैं भगाड़ लगा देती हूँ उससे पहले कि ये ब्लैकिश हो जाए। भगाड़ लगा देते हैं हम लोग, ये देखें हमारा जो है हलीम तैयार हो गया है यहाँ पर। जी क्या ज़बरदस्त खुशबूएं आ रही हैं, ओहो हो, क्योंकि इसके अंदर बारबेक्यू का भी गोश्त है, पता नहीं कौन कौन से खाने रखे हुए थे, मैं तो रख के भी भूल गई थी है ना इब्राहिम, बहुत टाइम से हम लोग जो है ना वो सेव कर रहे थे खाने। और ये मैं दिखाती हूँ इब्राहिम यहाँ पर घोटा
इब्राहिम यंग हलीम को घोटा लगा रहे हैं, ज़बरदस्त घोटा लग रहा है भाई आज तो। आज बाबा की जगह इब्राहिम लगा रहे हैं ना, बाबा की तबीयत सही नहीं है, कमर की तकलीफ हुई भी उनको बहुत ज़्यादा। तो देखिए क्या ज़बरदस्त हमारा ये कलर जो है ना हलीम का आ चुका है। ओहो बस 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 बस। अबू रहान जी आप क्या बोलना चाहोगे? के भाई बहुत अच्छा बना रहे हैं। यहाँ पर आओ, ये देखें मैं भी आज हमारे किचन के अंदर नहीं बिल्कुल बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। अबू रहान सलाम वालेकुम। और आज हमारे घर हलीम मल्ला कैसा लग रहा है शक्ल से? अच्छा अच्छा लग रहा है, बस इसके अंदर एक दो हाथ मेरे भी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो सही है इब्राहिम, अब एक दो हाथ रहा इब्राहिम बुरहान के लगवा दो। चलो भाई यहाँ पर अब बुरहान आ गए, आज तो भाई सबके हाथ लग रहे हैं यहाँ पर। तो बाबा नहीं है ना आज जो नहीं लगा रहे हलीम का घोटा, तो आज बाबा की जगह बच्चे लगा रहे हैं। तो अब देखें वैसे मेन किरदार तो मेरा है ना भाई, मैंने बनाया ना हली। अच्छा मैं जो इतनी देर से लगा रही थी घोटा वो ये देखो कितना मैंने लगा लगा के ना भारी बारीक। तुम्हारा हाथ कैसे जाएगा चूल्हे पे? नहीं जाएगा। अरे खजर नहीं जाएगा, खजर आपको तो सरप्राइज है ना, अभी तो रहन दो ना, अभी सरप्राइज है आपका। यहाँ पर खजर देखिए यहाँ पर ये कितने पैर लग रहे हैं खजर। और इतना ज्यादा इसके अंदर चिकन पता नहीं गोश्त कौन कौन सी चीजें इसके अंदर, खूब रेशा आ रहा है। अच्छा बनेगा हलीम, और बघार इसमें लग चुका है, और मैं काटने जा रही हूँ यहाँ मसाला। हट जाओ, हटो बेटा बाहर निकलो, हटो। चलो भाई बुरहान की बारी खत्म हो गई, अब इब्राहिम की बारी शुरू हो गई फिर से। भाई इब्राहिम का तो घोटा क्या ज़बरदस्त लग रहा है, और मैं यहाँ पर काटने जा रही हूँ मसाला हलीम का। ये सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली हैं, ये प्याज तो खैर मैंने पहले ही मंगवा ली थी, लीमू है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, धनिया है, तो ये सब चीज़ें मैं मसाला बना रही हूँ। तो हम मिलते हैं आपसे मसाला काटने के बाद। प्याज तो मेरी रेडीमेड थी, और जो बाकी चीज़ें मैंने काट ली हैं पुदीना धनिया हरी मिर्चें लीमू, और ये मैंने यहाँ पर बाउल अपने निकाल लिए हैं, डिशें यहाँ पर साफ़ कर ली हैं, और बस भुगटाई भी अच्छी खासी हो गई है, बघार भी हमारा लग चुका है। अब हम कर रहे हैं इसकी फाइनल एंडिंग। ज़बरदस्त हलीम लग रहा है, देखें धुआँधार मज़ेदार हलीम लग रहा है ये। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, और फिर हम लोग आपसे लेंगे इजाज़त।